हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी की जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनापोर्टन टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके डोसेस के बारे में और जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। अनापोर्टन इस टैबलेट में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन रहता है, एक है इसमें कैमिलोफिन 25 मिलीग्राम और दूसरा है पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम। अब बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अनापोर्टन टैबलेट है यह एक पेन किलर टैबलेट है और यह पेन किलर टैबलेट एब्डोमिनल पेन में दी जाती है और यह जो दर्द रहता है वह पेट के नीचे वाले भाग में रहता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन। अगर किसी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो वहाँ पर काफी हेवी पेन होता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर इसके डोसेज के बारे में बात करें तो यह टैबलेट अडल्ट व्यक्ति को SOS के रूप में, मतलब जब दर्द हो रहा है तब या फिर आवश्यकता पड़ने पर सुबह शाम दो टाइम डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसके कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे आपके पेट में एटेंसी लग सकती है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है और दिल घबरा सकता है। वैसे यह साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यह साइड इफेक्ट आपको होते हैं तो इस टैबलेट को बंद कर दो और अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। इस टैबलेट के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें आप यह टैबलेट नहीं दे सकते, जैसे गर्भवती महिला को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरत पड़ने पर डॉक्टर इस टैबलेट को गर्भवती महिला और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तब इसको ले सकते हैं, लेकिन अपने दिल से इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस टैबलेट को लेना चाहिए। तो यह थी जानकारी अनापोर्टन टैबलेट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।